हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी को वेलकम करता हूं मेरे और एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, फिलहाल मैं सुबह सुबह हो चुका हूं रेडी और आज जाने वाला हूं कल्पा की ओर। और कल्पा जाने के कारण ये है कि वहां आज मैच होने वाला है, केपीएल का मैच, और आज होने वाला है सनराइज टापरी वर्सेस जंगलम सुपर किंग का। और देखते हैं कैसा होता है। अभी वो सुबह 8 बजे है और मैं काफी लेट हो चुका हूँ और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे कैसा मैच रहता है, क्या क्या होता है, कैसा ये सफर रहता है कल्पा की ओर का। बाकी आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और मैं आजकल वीडियो बहुत लेट लगा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाने का। बट आज से डेली व्लॉग आएगा। और प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने भाई को और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और फिलहाल हम चलते हैं लोकेशन की ओर। तो दोस्तों, फाइनली मैं रूम से निकल गया हूँ और ये चढ़ाई चढ़ रहा हूँ पुलिस लाइन की ओर। बस स्टैंड निकलते हैं, यहाँ से तो मेरा रोज़ का आना जाना रहता है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि बस स्टैंड से बस पकड़ लेते हैं क्या बाज़ार जाना, क्योंकि बाज़ार में बस काफ़ी टाइम लगाता है। ऊपर बस स्टैंड से बहुत कम टाइम लगाता है, थोड़ी देर बैठता है फिर निकल पड़ता है कल्पा की ओर। तो वहीं चलते हैं, वहाँ जो बस आएगी उसमें बैठ के चल पड़ेंगे। बाकी आप आसपास का नज़ारा देख सकते हो, ऐसा है कुछ नज़ारा रिकोंगपियो का, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है आप देख सकते हो। और सामने पीछे खेते हैं जो सेब के पेड़ लगे हैं, और ये सामने न्यूजे का पेड़। यहाँ पर ज़्यादातर न्यूजे का पेड़ ही है आप देख सकते हो। और फिलहाल हम चल पड़ते हैं ऊपर बस स्टैंड की ओर। और रास्ते का हालत आप देख सकते हो, इस तरीके से रास्ते हैं इन पहाड़ों के। आपको पता ही है पहाड़ों में ऐसे ही रास्ता देखने को मिलता है अक्सर। और ये देखो, भांग के पत्ते भी बड़े बड़े हो चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भांग के ये पत्ते पाए जाते हैं। ये देखो दोस्तों, इस डेंजर याक ने मुझे डरा दिया था। याक तो नहीं है बट याक की प्रजाति का है, डरा दिया था। तो दोस्तों, काफ़ी वेट करने के बाद मुझे मिला ये बस, और बस के बाहर का आप व्यू देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। और अभी मैं पहुंचा हूँ रिकोंगपियो के हॉस्पिटल के बिल्कुल ही नीचे, आप देख सकते हो। बाकी आप आनंद ले सकते हो रिकोंगपियो का ये खूबसूरत सा नज़ारा, जो कि काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। और सामने का पहाड़ तो काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, बर्फ़ से ढके हुए, और काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये नज़ारा है, ब्यूटीफुल सा लोकेशन है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कल्पा, और अभी जा रहे हैं केपीएल ग्राउंड की ओर। और हम पहुँच ही गए, तो पहले हम बस से उतर जाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या रहता है। तो दोस्तों, फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है कल्पा। अभी स्टेडियम के बाहर है, आप देख सकते हो बैक साइड को, ये है मेन गेट ग्राउंड का। तो फिलहाल अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से मैच वगैरह चल रहा है, क्या क्या सिस्टम है। अभी हम पहुंच चुके हैं मेन गेट के पास, ये रहा मेन गेट स्टेडियम का। तो फिलहाल हम चलते हैं अंदर और अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। और इधर तैयारी चली हुई है मैच का, आप देख सकते हो ये हो रहा है ग्राउंड को प्लान। और उधर लग रही है बैनर है, आप देख सकते हो नो मींस नो का। बाकी आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी अल्टीमेट है, काफ़ी ऑसम है। और आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी सारे बैनरे लगे हुए हैं जिन्होंने केपीएल के लिए स्पॉन्सर किया है। और आसपास का नज़ारा तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी अमेजिंग है। और सामने का जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये केपीएल के वुमेन का ही फ्रेंचाइजीज है, जो कि 6 हैं और इनमें से 2 का कल मैच होने वाला है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर टीम सारे रेडी हो चुके हैं और ये चला है प्रैक्टिस। दूसरी टीम है परे साइड को। तो दोस्तों, थोड़ी देर के बाद मैच स्टार्ट होने वाली है और ये टीम है सनराइज टापरी वालों की, आप देख सकते हो। भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जयदाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये देवराज देगी क्रिकेट स्टेडियम कल्पा का, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, ये तहसील है। सचिन कप्तान गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए और सलामी जोड़ी के तौर पर वो सनराइज टापरी के बल्लेबाज मैदान की तरफ निकलते हुए। पहली गेंद, इस गेंद को हल्का सा वो पैर बाहर निकाले, बॉलर बैक ड्राइव, ये दूर से बल्ला चलाया है, ये बिल्कुल जी हाँ चौका पाया है, हाथ खोलने का मौका है, डीप पॉइंट की तरफ, ये खूबसूरत चौका है, क्या ही कहे, क्या चौका ये था, ये बिल्कुल गैप में ये इन्होंने खेलने का प्रयास किया और बिल्कुल कामयाब रहे ये शॉट गैप में खेलने का और डायरेक्ट 4 रन। ऐसे ऑन साइड पे वो फ्लिक के अंदाज पे खेला है, डीप स्क्वायरिंग की तरफ चौका पाया है, ये बिल्कुल ये ये बहुत ऊपर है और यहाँ पे और ये लीजिएगा यहाँ पे जो है ये सदीप एक और कैच पकड़ा है, देखिए पहले भी पकड़ा था, इस बार सदीप देगी, ये चीज करनी पड़ेगी, ये 15वां ओवर चल रहा है पारी का, देखिए ऑन साइड पे खेला है, डीप स्क्वायर एक तरफ खिलाड़ी पीछे रोका, जरूर सिंगल मिल जाएगा उस तरफ, ऑन साइड पे बिगुल बाउंड्री काफी छोटी है। जी हाँ, ये हम कह सकते हैं कि एक एडवांटेज भी है एक बल्लेबाज को कि उस साइड को बाउंड्री छोटी है, तो बल्लेबाज को जो है थोड़ा अगर डीप स्क्वायर की तरफ खेले शॉट तो एडवांटेज है। बिल्कुल सही कहा, पहली गेंद और टर्नी पे सिंगल स्क्वायर की तरफ, दो गेंद आप ही ओवर इनके कोटे का, ये शॉट अच्छा है, लॉवर की तरफ खेला है, सिंगल छोड़ा लिया, ये चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से आप ये आखिरी ओवर अगर 20 ओवर खेलकर जाते हैं तो कम से कम आपके 125 130 बन जाएंगे, अगर 130 बोर्ड पर लगे तो फिर मुझे लगता है कि एक स्कोर होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, 77 जहाँ पहुंचा स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे। और हमारे प्यारे दर्शक ये शॉट अच्छा, ये कट किया है इसे और गेंद गई है सीधा चार के लिए, 4 बनाने हैं मुकाबला जीतने। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है KPL एक्स्ट्रा कवरेज में और देखिए मैच जो बहुत शानदार और क्या जीत हासिल की है, तो चलिए डायरेक्ट हम अवार्ड देते हैं, जिस हिसाब से मैंने आपको कल बताया था कि 3 अवार्ड रहने वाले हैं, मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर और साथ ही में सुपर 6, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है सुपर 6 का अवार्ड जो स्पॉन्सर किया है यहाँ पे नेगी प्रदीप नेगी फ्रॉम रिपा, इन्होंने स्पॉन्सर किया है हमारा सुपर 6 का ये अवार्ड और जो होने वाले हैं आज के सुपर 6 जिन्होंने छक्के जड़े हैं मित्रों उन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, नितेश नेगी जी, ये यहाँ पे देखिए हमारे साथ है नितेश नेगी जी जिन्होंने सुपर 6 का अवार्ड इन्हें जाता है और सम्मानित करा जा रहा है नरेंद्र नेगी के द्वारा,
और मैं आपको बता दूं सुपर सिक्स का जो अवार्ड है ये स्पॉन्सर किया है प्रदीप नेगी जी डायरेक्ट फ्रॉम निपा जी। हाँ दीपक जी जो है ये अवार्ड सम्मानित करने जा रहे हैं और किसको वो भी होने वाले हैं यहाँ पे नितेश नेगी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे जाए नितेश नेगी जी का। ये देख सकते हैं आप सम्मानित कर रहे हैं दीपक जी और ये गेम चेंजर का जो अवार्ड है ये स्पॉन्सर किया गया है हमारे एके सिंह फ्रॉम बावा वैली जी। हाँ बिल्कुल सही बात है आपने कही कि अभी एक और अवार्ड है नितेश नेगी को रुकना पड़ेगा हम सारे आज ले रहे हैं सारे अवार्डों पे कब जी। हाँ और देखिए अगर मैन ऑफ द मैच जिसे मिलने जा रहा है ये भी बड़ा एक चमत्कार आप कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया गया है रिंकू राठौर जी ने जो डायरेक्ट इज फ्रॉम थियोग एसीसी थियोग ने ये स्पॉन्सर किया है हमें ये वाला अवार्ड और इसे सम्मानित कर रहे हैं सत्य प्रकाश मैन ऑफ द मैच ये अभी सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे फिर से नितेश नेगी जी को क्योंकि ये अवार्ड उन्हें ही जाता है जी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि दो विकेट भी लिए 25 गेंदों में 46 उसमें 3 चौके और 5 छक्के भी लगाए हैं जी बिल्कुल। तो दोस्तों फाइनली मैच हो चुका है खत्म जो कि जंगरम सुपर किंग वर्सेस सनराइज टापरी के बीच में था और जंगरम सुपर किंग जीत चुके हैं मैच और बाकी मैं अभी निकल पड़ूंगा रिकॉम्पियो की और देखते हैं कैसे कैसे रहता है मैच का। तो आपने फुल आनंद ले लिया होगा बाकी आपने फेसबुक लाइव में देख लिया होगा किस तरीके से मैच रहा सारा कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी दिखा दिया। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल पड़ा हूँ रिकॉम्पियो की और जा रहा हूँ पैदल रिकॉम्पियो तक क्योंकि बस का भी वेट करना पड़ेगा काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बस लगी नहीं थी तो काफ़ी टाइम लगेगा बस का वेट करने में। तो क्यों ना सोचा कि रिकॉम्पियो तक तो वैसे भी उतरा ही है तो पैदल ही चल पड़ते हैं वादियों का आनंद लेते हुए। देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से जंगल के बीच में काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रूम और अभी शाम का वक्त हो चुका है और आप सभी ने मैच तो देख लिया होगा और व्लॉग कैसा रहा ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए और अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं कोई नए व्लॉग में।